भोपाल केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलने से कर्मचारियों में भारी निराशा का भाव है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि हाल ही कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते की फाइल पर मोहर लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्मचारियों ने फिर से सरकार को जिला कलेक्टर और कमिश्नरों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव का कहना है कि राज्य सरकार हमेशा से केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देती आई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने से कर्मचारी आक्रोशित है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जाए। और कर्मचारियों की खुशहाल होली मनेगी, किस प्रकार से देखते हैं आप भी कर्मचारी महामंत्री? केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 23 में 4% महंगाई भत्ता दिया गया था, और जो है अभी 1 जनवरी से फिर पुनः जो है 4% महंगाई भत्ता, इस प्रकार से 8% महंगाई भत्ता दिया गया। हमारी भी राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध था कि कर्मचारियों को ये 8% केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। हमेशा से सरकार केंद्र के समान महंगाई भत्ता देती आ रही है, उसी बात को लेकर के हमने कई बार ज्ञापन दिए और इस बात को उठाया भी कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया। आज कर्मचारियों को बहुत उम्मीद थी कि आज कैबिनेट में हमें महंगाई भत्ता मिलेगा, लेकिन आज बहुत निराशा हुई जब उस वो महंगाई भत्ता का मामला कैबिनेट में नहीं आया। इसको लेकर के हम जो है पुनः जो एक बार सरकार में आज कलेक्टरों को एवं कमिश्नरों को हमारे द्वारा संगठन में जिला स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि उन्हें केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। इसके अलावा सातवें वेतनमान के भी हमारे जो भत्तों में सुधार किया गया था, उसके लिए सरकार के द्वारा समिति गठित की गई थी, उसने भी रिपोर्ट सौंप दी है। हमें आशा थी कि उन कमेटी की रिपोर्ट्स को भी शीघ्र लागू करके हमारे सातवें वेतनमान के बराबर गृह भाड़ा भत्ता एवं अन्य भत्ते दिए जाएंगे, तो हमारी वो भी एक उम्मीद थी। तो हम उस बात को लेकर के भी ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि सरकार से उम्मीद तो इसलिए सातवां वेतनमान, केंद्र के समान महंगाई भत्ते, ये कर्मचारियों को जो लाभ मिल रहा है उसका जिनाइन लाभ उनको मिलता रहे, और हमें आशा है कि आगे चल करके हमें मिलेगा, और इस बात को लेकर के हम अवगत करा रहे हैं, सरकार के पास अपनी बात को रख रहे हैं। कल संभवतः कुछ दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है, जब आगे नहीं पूरी होती तो क्या कदम रहेगा? देखिए, आचार संहिता में भी कर्मचारी जो है काम करते हैं, और आचार संहिता का अर्थ ये नहीं होता कि कोई काम को रोक दिया जाए, कर्मचारियों के हित में ही काम हो रहा है। और जो महंगाई भत्ता केंद्र के समान दिया जाना है वो कोई लाभ का विषय नहीं है, वो तो अनुमति लेके भी दिया जा सकता है। आचार संहिता लगने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें महंगाई भत्ता ना दिया जाए। हाल ही में लोकसभा चुनाव है, किस तरह से इम्पैक्ट देखते हैं कर्मचारियों का? देखिए, लोकसभा चुनाव की परिदृश्य अपना अलग है, लेकिन कर्मचारियों को जो उनके लाभ समय पर मिलना चाहिए, संगठन उस बात के लिए चिंतित रहता है, और संगठन अपना काम कर्तव्य कर रहा है और सरकार को भी अवगत करा रहा है कि उनके जो लाभ हैं, उनके स्वत्वों का भुगतान है, वो समय पर हो जाए। और चुनाव की प्रक्रिया अपनी अलग है, और चुनाव में जो बात होती है उस प्रतिफल में अपना अलग विचार रहता है, लेकिन चुनाव एक देश की प्रतीक है, लेकिन कर्मचारियों के लाभ के प्रति के लिए तो हम सरकार के पास उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराते रहते हैं। हेमंत श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी। भोपाल से संवाददाता आशीष द्विवेदी की खास रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।